तो कक्षा दसवीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने वादा किया है, जी हाँ, आपकी अपनी कोचिंग हारे का सहारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा, यहां से देखिए इन बच्चों की तरह वास्तव में परसेंटेज बनानी है, तो ये कॉपी में लिखा हुआ जो आपको पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं ना, कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, पूरे गारंटी के साथ कहता हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रियल है, मैंने हिंदी में भी बहुत कहा बच्चों को कि बेटा रियल किसी के पास नहीं मिलेगा, बार बार पछताए, और पछताने के बाद आज आपको उस चीज का एहसास हो गया भी होगा, ठीक है, जाके मिलान कर लो। मैंने जो 6 पेपर बताए थे, सेट ए, सेट बी, सी, डी, ई, एफ, 6 पेपर हिंदी के थे और लॉन्ग वीडियो है और अभी भी प्लेलिस्ट में जुड़ा हुआ है, एक बार जाके मिलान तो करो। मैंने बच्चों को बहुत कहा, पर लेकिन उन्हें तो भाई साहब रियल चाहिए था ना, ये भर भर के दिया साहब, ये पूरे YouTube पे मिला आपको, और हमने बताया था कि ये भैया ये पढ़ लो, ये सेट ए पढ़ लो, सेट बी पढ़ लो, ठीक है, इसके बाद पर ये ऐसा नहीं पढ़ना था, ये बताया था, खूब बताया, मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये तो इनके पास तो ओरिजिनल है ही नहीं, ओरिजिनल मिल गया, अब आपको नहीं मिला है, तो जिन बच्चों को वास्तव में अब अच्छी परसेंटेज बनाना है, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं ना वीडियो को, भाषण बहुत देर का हो गया। रामेन इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति, तृतीय विभक्ति राजन शब्द से प्रथम अव्यक्ति बहुवचन से रूपम अस्ति, तो राजना, रमा इति शब्द से बहुवचन से रूपम अस्ति, रमा नाम आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और रमाभ्याम इति पदम कस्य बहुवचन से अस्ति, द्विवचनम, इदानीम वायुमंडलम भ्रसम प्रदूषितमस्ति, अधोलिखितसु अवयव नास्ति, तो यहाँ पर अस्तु आ जाएगा। यदि हम रिक्त स्थान की बात करें तो देख सकते हैं आप, पूरा भर दिया यहाँ पर मैंने पहले से, क्योंकि हमारे बच्चों का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, कम समय है उनके पास, ठीक है, आप कहोगे तो एक लॉन्ग वीडियो में पूरा चीज़ों का सोल्यूशन एक ही वीडियो में कर दूंगा, 2 से 3 घंटे का रहेगा, बस उसके अलावा आपको कोई पढ़ने की जरूरत भी अलग से नहीं रहेगी, पर आप बढ़िया से हमारा साथ दीजिए, अच्छे से पढ़िए, यही उद्देश्य है। शुरुआत में वीडियो शुरू करा जब इसलिए बोला था क्योंकि मैंने बहुत समझाया बच्चों को, बेटा किसी के पास रियल पेपर नहीं, फिर उन्होंने माना नहीं बात, पर आप पछता रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखिए पढ़ो, मैं जो बता रहा हूँ उन्हीं में से फंसेगा, ये गारंटेड है, हिंदी में जाके मिलान कर लो, और अभी भी भरोसा नहीं तो संस्कृत का पेपर हो जाए, उसके बाद में आके मिलान करना संस्कृत का, और फिर अपन बात करेंगे ना। सूर्य प्लस उदय, तो यहाँ पर गुणसंधि आ जाएगी, त्रिभुवनम में आ जाएगा आपका द्विगु समास, सदैव, सदैव में आ जाएगा आपका वृद्धि संधि, क्योंकि जब भी ऐसी मात्रा आती ना सदैव, ठीक है, तो ये इसमें वृद्धि होती है, डबल मात्रा रहेगी, ठीक है भाई, इसमें हिमालय बड़ा की मात्रा जिसमें लगेगी वो आपका पुस्तकालय, वो दीर्घ संधि है। ये सारी चीज़ें मैं अब लॉन्ग वीडियो में कवर भी कर दूंगा, अभी तो हाल फिलहाल के लिए इनको कंप्लीट करो, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इनमें से अधिकांश फंसेगी, ठीक है। चलिए सेट बी के बाद में सी भी आएगा, डी भी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना, ठीक है। कुर्तुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तुमुन, तुमुन, गतवान अत्र का प्रत्यय, गतवान में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो गतवान में आपका कतवतु प्रत्यय, कतवतु, ठीक है। नेतुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, नेतुम में कौन सा प्रत्यय है आपका, तो देखिए नेतुम में भी आपका कतवतु प्रत्यय रहेगा, ठीक है भैया। केसाम माला रमनिया हरित तरु ललिता नाम, यहाँ पर अपन लिख लेते हरित तरु, हरित तरु ललित, पूरा लिख देता हूँ सही से, हरित तरु ललित, ललित ललित हो गया, लता नाम, ठीक है। सर्वदा सर्व कार्यसु का बलवती बुद्धि, ठीक है। मनुष्य नाम महान रिपु का आलस्यम, ठीक है। अब है आपका आम नाम है, गमिष्यति इतस्मिन पदे लट लकार अस्ति, ना एकदम राइट रहेगा। अप्रश्यन इतस्मिन पदे लंग लकार अस्ति, आम रहेगा। गच्छामि तस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, आम। लभन्ते तस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति, लभन्ते में कौन सा मध्यम पुरुष है, ना, ठीक है। दुर्व्यवहार तस्मिन् पदे दुर् उपसर्ग अस्ति, ना। दुष्कर्मम में भी आपका दु उपसर्ग है, नहीं, दुर् उपसर्ग है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 शुरू हो गया है,
केसा माला रमनिया तो यह हरित तलु ललित लता लली लता नाम। ठीक है, अतिथि केन प्रबद्धता, देखिए ये मैंने जो निशान लगाया है इसकी जगह पर ये वर्ड आपको फिट कर देना और पूरा लिख देना, और ठीक है इस तरह से अपना पूर्ण विराम लगा देना है। इंद्रा दुर्बल दुर्बल वृष्वस्य कष्टानी, ठीक है ये इसका जवाब वृष्टि। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना है ना, जो बच्चा मेहनत करेगा ना सफलता उसे जरूर मिलेगी। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट ले लेना है ना भाई, ले लिया, ये आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका, यहाँ पर की दृश्यम आ जाएगा, यहाँ से को आ जाएगा और यहाँ से कस्मात आ जाएगा। प्रश्न निर्माण में क्या करना है, ये चीज़ें हटा देनी है और इनको लिख देना है। अब अगला क्या है अपना, उसको ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि का किम किम का कथ्यति, हो गया इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप तो, तुरंत लो बेटा। यहाँ से देखो इसका आंसर ये यहाँ रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का। बढ़िया से करो यार, हमारा भी उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके सुभाषतानी श्लोक है, ठीक है कितने क्या है सुभाषतानी श्लोक, और सुभाषतानी श्लोक कोई से भी तीन कर लेना, यहाँ से ये तो दो ये तीन हो गए, तीन कोई से भी कर लो यहाँ पर। इसके अलावा जो जमे वो करो, ऐसा थोड़ी है कि यही करना आपने, इतने सारे श्लोक दिए, ये स्क्रीनशॉट ले लो, जो जैसा जमे जिसको जो आता हो ये यहाँ से, ठीक है बढ़िया से मैं आपको पूरा सोल्व कराऊंगा, घबराना नहीं है ना। मम दुग्ध रोचते, देखिए मम हटा देना, महाम दुग्ध रोचते, पत्रा पतंती पत्रानी पतंती, गणेशाय नमः गणेशा नमः, सैनिका अश्वेन पतती अश्वात आ जाएगा, है ना भैयू। चलिए यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसमें देखिएगा पहले में एव आ जाएगा, दूसरे में आपका चीते, ठीक है तीसरे में आपका आत्म श्लाघहीन आ जाएगा, चौथे में मते आ जाएगा, पांचवे में आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप तो। बढ़िया से करो कंप्लीट, ठीक है। जिन बच्चों को ये बार बार लग रहा है ना कि ये चीज़ें फर्जी देते हैं, तो भैया मैंने कब बोला है कि मैं रियल दे रहा हूँ, मैं फर्जी भी नहीं दे रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको। आप क्या मालूम क्या किस भ्रम में जी रहे हो अभी भी, कई बच्चे कमेंट कर इसी वीडियो के नीचे देखना, और आप जो बच्चे देख रहे हैं ना उन ढोरों को थोड़ा सा अकल दे देना कि भैया हजार बार पेपर में बोल चुके हैं कि रियल पेपर नहीं है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर हाँ फंसेगा। और यदि वास्तव में यार विश्वास मानो यार, बार बार इसलिए तकलीफ इसलिए होती है कि बेटा यार आप समय निकलने के बाद उसके वैल्यू समझोगे, समय निकल जाएगा ना उसके बाद में तरसोगे इस चैनल के लिए। आप ये मैं कह रहा हूँ बार बार, अरे काश हम पहले देख लेते यार, इसका पूरे फंसा यार, पूरा फंसा हिंदी में भी पूरा फंसा यार, आप देख तो लो एक बार, ठीक है। यहाँ से देखिए 96% 91% ये कोई वैसे थोड़ी बने यार, दिन रात मेहनत करती है करिए जब जाके बनती है ऐसी, ये थोड़ी मेहनत है ना बेटा, करो मेहनत यार आप भी। यहाँ से बात करेंगे तो पहला आपका ये पहला हो जाएगा, है ना, दूसरा जो है वो ये बनेगा, तीसरा आपका यदि वाली लाइन रहेगी और चौथा आपका ये रहेगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद में है वाच्य परिवर्तन, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप वाच्य परिवर्तन को, ठीक है बढ़िया से कंप्लीट करना है। चलिए यहाँ पर अपना वाच्य परिवर्तन के लिए आपको ये यहाँ से देख लेना, इतनी चीज़ें इनमें मिल जाएगा आपको वाच्य परिवर्तन, ये तो मतलब इनमें ये यहाँ से आपने इतना कर लिया नहीं जिसमें काम पूरा हो जाएगा, ये गारंटी ले लूँगी ना। वाच्य परिवर्तन इनमें से आता है बस, हर साल हो गया यहाँ से ये इतना गया है और ये इतना गया है बस, इसके अलावा पढ़ना भी नहीं अपने को कुछ भी, ये वाच्य परिवर्तन हो जाएगा। और इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पर है ना, हो गया इतना, ये पेपर का स्क्रीनशॉट ले लो आप तो पहले ना, हो गया भैया इतना नहीं हुआ, ये थोड़ा छोटा कर दो क्या, ये थोड़ा छोटा कर दे लो, ठीक है हो गया पूरा। अब इसका आंसर की बात करें तो ये रहा आंसर, और इस तरीके से आपको परीक्षा में लिख के आना है, हो गया। ये 18वें का अथवा वाला है, तो ये 18वें का अथवा वाला का आंसर है ये है, हो गया भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट। यदि हम बात करें तो यहाँ से इसका, तो ये हो जाएगा इतना, हो गया ये यहाँ से, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 को ये देखो यहाँ पर, ठीक है हो गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका, हो गया। चलिए इसके अथवा में की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा यहाँ पर, देख सकते हैं अभी पेपर का स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा,
अथवा वाला क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा ये रहा, ले लिया स्क्रीनशॉट। यदि अपन आगे बात करते हैं तो ये यहां पर देख सकते हैं आप, ठीक है, जहां पर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, हो गया इतना। इसके बाद में इसका अथवा ये रहा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, नहीं ये यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जननी जन्मस्य भूमिस्य गरिष्यसि जननी सर्वादयस्यसि, ये जो अपन ने एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इसे, ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना उन्हें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का पूरे क्वेश्चन रहेंगे यहाँ तक के, ठीक है, ये यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 22 को देख सकते हैं आप तो बढ़िया से, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा और ये 23 रहेगा। तो ये अवकाश वाला तो आपको याद ही है, ठीक है, फिर भी नहीं पता तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, अवकाश सिर्फ यहीं से करना है, ये लास्ट वाले पेज से ही। देखिए मैं 6 तरह के पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, 6 तरह के पेपर, एक तरह का पेपर नहीं है ना, और इतने आप जानते हैं कि 6 तरह के पेपर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मैं भी जानता हूँ, पर बेटा मेहनत करनी पड़ेगी यार, अच्छे नंबर चाहिए, ये अवकाश करना है आपने, वो कुछ भी नहीं करना है, और इसके अलावा है ना ये अवकाश करनी है, ये भी छात्रवृत्ति की भी कर सकते हैं करने के लिए, ठीक है, वैसे मैंने निशान लगाया, बस दो बहुत है, और ये आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए करना चाहो तो ये आपको करना है, ये बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं कुछ भी, और वो अवकाश ही आएगी रे भाई ना, और संस्कृत भाषा का निबंध में यहाँ से देखेंगे तो ये इतना कर दोगे पूरा,